सोशल मीडिया पर दो वीडियोस काफी शेयर किए जा रहे हैं। इसे शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में महिषासुर रेलवे स्टेशन को मुसलमानों ने इसलिए तोड़ा क्योंकि ट्रेन के हॉर्न की आवाज से उन्हें नमाज पढ़ने में दिक्कत हो रही थी। इसी दावे के साथ ये दोनों वीडियो ट्विटर पर वायरल हैं। फेसबुक पर भी इन्हें शेयर किया जा रहा है। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इन दोनों वीडियोस की असलियत का पता लगाने के लिए हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर रिक्वेस्ट भेजी। तो क्या हकीकत में पश्चिम बंगाल में मुसलमानों ने नमाज पढ़ने में दिक्कत होने की वजह से ट्रेन में तोड़फोड़ की? इस सवाल का जवाब है नहीं। मीडिया में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जिसमें ये खबर दी गई हो कि मुसलमानों ने ट्रेन के हॉर्न से नमाज पढ़ने में हो रही दिक्कत की वजह से नौपारा महिषासुर रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ की। सबसे पहले बात करते हैं इस पहले वीडियो की। इस वीडियो में एक फ्रेम में साइन बोर्ड पर नौपारा महिषासुर लिखा है। सर्च करने पर हमें मालूम हुआ कि ये स्टेशन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में है। वीडियो में स्टेशन के बाहर के विजुअल्स भी दिखते हैं। इन्हें गूगल अर्थ के विजुअल से कंपेयर करने पर साफ हो जाता है कि ये वीडियो असल में पश्चिम बंगाल में स्थित नौपारा महिषासुर रेलवे स्टेशन का ही है। फेसबुक पर सर्च करने से हमें कुछ पोस्ट मिली जिसमें कुछ लड़के स्टेशन में तोड़फोड़ कर रहे हैं। 2019 को पोस्ट किए गए एक वीडियो में ब्लू शर्ट में दिख रहा ये व्यक्ति वायरल वीडियो में भी दिखता है। इसके अलावा वायरल वीडियो में दीवार के पीछे दिख रहा बोर्ड फेसबुक पर पोस्ट किए गए वीडियो में भी दिख रहा है। अब बात करते हैं रेलवे ट्रैक्स उखाड़े जाने के इस वीडियो की। बांग्ला कीवर्ड से यूट्यूब पर सर्च करने पर हमें ये वीडियो 14 दिसंबर 2019 को पोस्ट किया हुआ मिला। चैनल के मुताबिक मुर्शिदाबाद में CAB NRC के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान नौपाड़ा महिषासुर रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ की गई थी और ये उसी का वीडियो है। यानी ये कम से कम 3 साल पुराना वीडियो है। दिसंबर 2019 की स्थानीय न्यूज रिपोर्ट में कहा गया है कि भीड़ ने CAA के विरोध प्रदर्शन के दौरान रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ की थी।